Hello and welcome all dear students to this new video tutorial 13 which is on topic Python Pandas series part 2. इस वीडियो से पहले हम लोग ने डिस्कस किया था Python Pandas series part 1 जिसमें मैंने आपको सिखाया था, पहली चीज बताई थी what is Pandas, दूसरी चीज सिखाई थी आपको types of Pandas डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि ये सीरीज होते हैं और डेटा फ्रेम होते हैं. फिर हमने क्या बताया, सिर्फ सीरीज डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट, और कुछ हम लोग ने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कर चुके हैं, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आके आप पहले इस वीडियो को देख लें. आपको मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि पांडास क्या है. पांडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा सिस्टम, और ये मेनली यूज होता है यूज फॉर डेटा एनालिसिस. ठीक है, यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स. तो पांडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा सिस्टम, जिसमें डेटा एनालिसिस हम करते हैं और इसके बाद बहुत सारे एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फिर हमने बताया था पांडास दो तरीके के होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम. तो अभी हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के तीन तरीके हैं, लिस्ट के थ्रू, 1D नंपाई एरे के थ्रू, और तीसरा है डिक्शनरी के थ्रू. ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और फिर हम लोग ने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा दें कि सीरीज बनाते कैसे. एक नई पाइथन आईडीएली आपने ओपन करी, एक न्यू फाइल ओपन करी, उस न्यू फाइल में सबसे पहले आप लिखेंगे जाके इंपोर्ट पांडास एस पीडी. ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना कंपलसरी है और एसपीडी उसका एलियास है. अब आपने को लिस्ट से बनाना है तो आप क्या लिखोगे, एलएसटी इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, और फिर आप लिखेंगे सीरीज का ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए. जैसे मैंने यहां नाम ले लिया एससीआर इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में लिख दिए लिस्ट. अब आप इस सीरीज को प्रिंट कराएंगे तो मैं आपको बताया था कि ये एक वर्टिकल एरे की तरह प्रिंट होगा जिसमें इंडेक्सिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू साइज -1. इसको रन कराते हैं तो आप देखेंगे एक वर्टिकल एरे प्रिंट हो रहा है. ये देखिए वर्टिकल एरे प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50, और ये इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4. ये इंडेक्स आप चेंज भी कर सकते हो. इंडेक्स चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां आपने एलएसटी पास किया है पीडी डॉट सीरीज फंक्शन, वहीं लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू स्मॉल में लिखेंगे. और याद रखिएगा ये रो इंडेक्स होते हैं, तो जब हम इंडेक्स बोले खाली सीरीज में, इसका मतलब रो इंडेक्स इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप वैल्यूज दे दिए ऐसे ए बी. तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज और लिस्ट में मेन डिफरेंस ये है कि सीरीज में इंडेक्सिंग होती है 0 से, इसमें इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है. लिस्ट में इंडेक्सिंग सिर्फ न्यूमेरिक हो सकती है, सीरीज में इंडेक्सिंग अल्फाबेटिकल या स्ट्रिंग टाइप भी हो सकती है. बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी वैल्यूज हैं उतने इंडेक्स होने चाहिए. अब आप इसको प्रिंट कीजिए तो आप देखेंगे इंडेक्स ए बी सी डी ई आ रहा है.
तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, यानी सीरीज ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल होंगी, और फिर दो फंक्शंस यूज करना सीखेंगे सीरीज के साथ। एक लेन फंक्शन जो आप पढ़ी चुके हैं, यूनिवर्सल फंक्शन है, ये स्ट्रिंग में भी यूज होता है, लिस्ट में भी, टपल में भी, डिक्शनरी में भी, और एक काउंट फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट से। एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इंडेक्स। देखिए यहां पे, इस समय अगर आपसे पूछें कि यहां पे इंडेक्स क्या है, तो आप बताओगे ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपको रिटर्न कर देगा इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज एज लिस्ट, यानी लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। इसको रन करा के देखते हैं। अब हमने क्या किया यहां पे जाके, ये तो सीरीज है हमारी, अब मैंने यहां पे लिख दिया SCR डॉट इंडेक्स। तो आप देखेंगे जितने भी इंडेक्स आपने दिए थे ए बी सी डी, वो प्रिंट होके आ रहा है। रन कराइए इसे, ये देखिए आउटपुट, ये लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है सारे इंडेक्सेस ए बी सी डी ई, और चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप होता है, तो ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। दूसरा एट्रीब्यूट देखिए, दूसरा एट्रीब्यूट होता है वैल्यूज, दूसरा एट्रीब्यूट होता है वैल्यूज। वैल्यूज में क्या है, इट रिटर्न्स द वैल्यूज इन ए सीरीज एज एरे, यानी अगर आप इस आउटपुट को देखें तो यहां पे ये वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। अगर आप चाहते हो इसमें से वैल्यूज हम रीड कर लें या वैल्यूज फेच कर लें सीरीज की, तो उसके लिए एट्रीब्यूट काम आएगा वैल्यूज, तो एरे के फॉर्म में आएगा। इसको यहां पे रन कराते हैं, यहां पे लिख दिए SCR डॉट वैल्यूज। तो मैं इसको फिर से रन करा रहा हूं, इसमें मैं दो चीज कर रहा हूं, एक पहले सीरीज प्रिंट करा के दिखाते हैं कि सीरीज क्या प्रिंट हो रही है, और फिर उसकी वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही है। इसे रन कराया, अब आप इसका आउटपुट ध्यान से देखिए, पहले ये सीरीज प्रिंट हुई और देखिए बाद में ये इसकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। और ये कैसे पता चल रहा है ये एरे फॉर्म में, ये कैसे पता चल रहा है कि ये एरे फॉर्म में, आपको बताया था कि एरे जब प्रिंट होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज प्रिंट होती हैं और बीच में कॉमा नहीं होके स्पेस होता है। तो ये बता रहा है यहां पे कि इट इज एन एरे। तो ये दो आउटपुट आपको क्लियर हो गए, इंडेक्स से आपको इंडेक्सेस मिल जाएंगे लिस्ट के फॉर्म में, और यहां पे आपको मिल जाएंगे वैल्यूज से कि वैल्यूज क्या हैं। फिर अब आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है डी टाइप। डी टाइप ये बताता है कि डेटा टाइप क्या है सीरीज ऑब्जेक्ट की। जैसे आपने यहां पे देखा तो यहां पे डेटा टाइप लिख के आ रहा था इंट 64। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हेन सीरीज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग लिस्ट, देन डी टाइप मींस डेटा टाइप इज इंट 64। फिर आपको बताया था कि व्हेन सीरीज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग 1D नंपाई एरे, डी टाइप इज इंट 32। तो आप देखिए यहां पे लिख के आ रहा है इंट 64, क्योंकि ये लिस्ट से बनाई गई है। तो हम इसको फिर से रन कराते हैं और यहां पे लिख देते हैं वैल्यूज किया गया डी टाइप। इसको रन कीजिए, देखिए आउटपुट आ रहा है इंट 64। तो इतना पार्ट तो प्रिंट हो रहा है सीरीज, और ये पार्ट बता रहा है डी टाइप कि डी टाइप क्या, इंट 64। क्लियर?
तो ये तीन क्लियर हो गए। इंडेक्स से हमें सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे लिस्ट फॉर्म में, वैल्यू से हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी सीरीज की, लेकिन एरे के फॉर्म में, सीरीज एज 1D नंपाई एरे, नोट कर लीजिएगा इसे बाद में। डी टाइप से डेटा टाइप पता चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है शेप। शेप ये बताता है कि डायमेंशन क्या है, यानी कितनी वैल्यूज हैं सीरीज में इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो यहां पे रिटर्न्स द डायमेंशन कर लिए, रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ ए सीरीज इन द फॉर्म ऑफ टपल। देखिए कैसे यहां पे ये प्रोग्राम है और मैंने यहां डी टाइप की जगह लिख दिया शेप। ये चीज तो क्लियर है, पहले हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया पांडास, फिर लिस्ट बनाई, फिर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट से और उसमें इंडेक्सिंग कर दी एबीसीडी, फिर हमने सीरीज प्रिंट कराया और फिर एससी डॉट शेप किया। अब आप देखेंगे इसका आउटपुट आ रहा है 5, ये देखिए ये आउटपुट है 5। तो ये तो सीरीज है और ये 5 बता रहा है कि ये 1D है, क्योंकि सीरीज 1D फॉर्म में स्टोर करता है। और कितनी वैल्यूज है उसमें 1D फॉर्म में, 5। तो ये टपल के फॉर्म है, तो टपल आपके आईपी के सिलेबस में नहीं है, सीएस के सिलेबस में है। तो टपल क्या होता है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिखते हैं कॉमा लगा के। तो ये 5 बता रहा है कि ये 1D फॉर्म में है और 5 वैल्यूज हैं ये। फिर नेक्स्ट आता है साइज एट्रीब्यूट। अब अगर आप देखें साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, रिटर्न से नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो अगर आप शेप और साइज में डिफरेंस कोई पूछे आपसे, तो शेप ये बताता है कितनी वैल्यूज हैं सीरीज में, लेकिन वो टपल फॉर्म में देता है पैरेंथेसिस के अंदर, और साइज बताता है कितनी वैल्यूज है लेकिन टपल के फॉर्म में नहीं देगा। देखिए मैं यहां कंपैरिजन करता हूं, यहां पे ये सीरीज प्रिंट हुई, यहां पे मैंने प्रिंट किया शेप इक्वल टू कॉमा शेप SER डॉट शेप और फिर प्रिंट कर दिया साइज इक्वल टू कॉमा SER डॉट साइज। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी आप सीरीज के एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो वो सीरीज ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे डॉट लगा के। अब इसको रन कराइए तो आपको दोनों में आउटपुट मिलेगा 5, लेकिन एक टपल फॉर्म में मिलेगा और एक विदाउट टपल। अब आप देखिए ये तो पहले प्रिंट का आउटपुट है जिसमें सीरीज प्रिंट हो रही है, ये शेप में आ रहा है 5, तो ये टपल है, और सिर्फ ये साइज इक्वल टू 5 आ रहा है तो ये साइज एट्रीब्यूट की वजह से। क्लियर, दोनों आउटपुट क्लियर। ये शेप है तो शेप एट्रीब्यूट में आ रहा है, ये साइज है तो साइज एट्रीब्यूट में ये आ रहा है आउटपुट। नेक्स्ट है एन बाइट्स। एन बाइट्स बताता है सीरीज ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो यहां पे हम इसी एग्जाम्पल में यहां पे लिख देते हैं प्रिंट SER डॉट एन बाइट्स।
जब आप रन कराएंगे तो ये आउटपुट बता रहा है 40। अगर आप देखिए तो एक एक ये कितने बिट ले रहा था, अब ये 40 कैसे आ रहा है समझिएगा। बाय डिफॉल्ट हर इंटीजर कितना बाइट ले रहा था, इंट 64, इस चीज को समझिएगा। ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज इंट 64, दैट इज ये बिट्स में था, याद रखिएगा यहाँ पे 64 बिट्स है, तो यानी 64 को डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से, तो ये हो जाएगा 8 बाइट्स, हो गया। अब यहाँ पे सीरीज में वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 5, और एक कितना ले रहा है 8 बाइट, तो टोटल कितना हो गया 40 बाइट्स। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 40। नेक्स्ट, हैज ए एन एस, समझिएगा इसका क्या मतलब है, हैज एन ए एन एस, ये चीज समझ लीजिए क्या होती है, व्हाट इज एन, कैपिटल एन स्मॉल है, ये एन ए एन इन पाइथन, इट स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, मतलब ऐसी वैल्यू, इट रिफर्स टू ए वैल्यू, यानी हम यहां पे पहले लिख देंगे, इट स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर दैट इज, इट रिफर्स टू ए वैल्यू विच इज नॉट ए नंबर। एग्जाम्पल, इसमें कौन सी वैल्यू आ जाती है, नन, नन भी एन ए एन वैल्यू है। फिर नंपाई पैकेज में एक होता है एनपी डॉट एन ए एन, एनपी याद है, जब आप यहां पे लिखते हैं इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, तो ये जो एलियास यूज किया है वो एलियास यहां पे कर सकते हो एनपी डॉट एन ए एन, या आप यहां पे लिख सकते हो नंपाई डॉट एन ए एन, ये वैल्यूज अभी आगे यूज होने वाली है। तो अगर सीरीज में कोई ऐसी वैल्यू है जो नंबर नहीं है तो उसे बोलते हैं एन ए एन वैल्यू, ये नन हो सकती है या आपकी एन ए एन हो सकती है। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या आपकी सीरीज में कोई एन ए एन वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सीरीज में वैल्यूज क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, अब जरा यहां लिख दिए हैज एन ए एन एस, अब ये चेक करके बताएगा कि क्या आपके सीरीज में कोई एन ए एन वैल्यू है या नहीं, नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। देखिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि आपकी सीरीज में कोई भी एन ए एन वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एक पैकेज यहां पे लिख दें, लास्ट में इसकी जगह लिख दें 50 जगह नन, नन का एन कैपिटल होता है, देखिए ऑरेंज कलर से आ गया, यानी ये कीवर्ड है पाइथन में, और ये डबल कोर्स या सिंगल कोर्स में नहीं होगा। अब आप इसको रन कराइए तो ये ट्रू देगा, देखिए ट्रू आ रहा है, रीजन इसने चेक किया कि क्या आपकी सीरीज में कोई एन ए एन वैल्यू है, तो उसे एक एन ए एन वैल्यू मिल गई, मतलब एक नन वैल्यू मिल गई, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। तो इतने क्लियर हो गए। आखिरी वाला होता है एम्प्टी, एम्प्टी ये बताता है कि अगर सीरीज में एक भी वैल्यू नहीं है तो इसका लो सीरीज एम्प्टी है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू प्रिंट होगा, और अगर सीरीज में एक भी वैल्यू है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं, हमारी सीरीज में इस समय 5 वैल्यू हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और हम यहां लिखते हैं एम्प्टी, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि हमारी सीरीज एम्प्टी नहीं है, फॉल्स प्रिंट हो रहा है। देखिए
और अगर हमारी सीरीज एम्प्टी होती, देखिए अगर हम एम्प्टी लिस्ट बना देते, एम्प्टी लिस्ट हो गई, अब यहां पे हमने इंडेक्स दे रखा है तो यहां पे इंडेक्स भी हटाना पड़ेगा। अब देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि हमारी सीरीज एम्प्टी है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू। तो एम्प्टी क्या करता है? एम्प्टी ये बताता है कि अगर आपकी सीरीज एम्प्टी है तो ट्रू देगा और अगर सीरीज एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स देगा। तो इस प्रोग्राम को हम वापस कर देते हैं, ये हमारा प्रोग्राम था, जब इसको हमने रन कराया तो आप देखेंगे ये आउटपुट आ रहा है फॉल्स। क्लियर? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है एग्जांपल्स की, तो ये तो आप लोग एट्रीब्यूट्स अपने नोट कर लिएगा कि क्या क्या होते हैं, और फिर आपको ये एग्जांपल नोट करना है टेबल फॉर्म में। देखिए पहले कॉलम में हमने लिया एट्रीब्यूट, दूसरे में लिया है एग्जाम्पल और तीसरे में लिया है आउटपुट। सबसे पहले हमने वही प्रोग्राम लिखा जो अभी मैंने आईडियाली में टाइप किया था। ये हमारी सीरीज है तो इस समय सीरीज कैसे प्रिंट हो रही है? ये हमारी सीरीज का आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी? चार वैल्यूज थी, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40। फिर मैंने यहाँ इंडेक्स क्या दिए थे? ए बी सी डी। तो यहाँ आ रहा है ए बी सी डी। और फिर ये लिस्ट से बनी है तो डेटा टाइप क्या है? इंट 64, यानी हर एक इंटीजर वैल्यू 64 बिट ले रही, यानी 8 बाइट। अब देखिए इंडेक्स का यूज समझाया गया है। इंडेक्स क्या देता है? बताता है कि ये जितने भी आपने इंडेक्स ले रखे हैं उनको लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा। देखिए आउटपुट आ रहा है इंडेक्स और लिस्ट फॉर्म में इंडेक्स आ रहे हैं। कैसे पता चल रहा है ये लिस्ट फॉर्म में इंडेक्स है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू प्रिंट हो रही है और कॉमा सेपरेटेड है। फिर दूसरा आया वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है? जो आपने सीरीज में वैल्यूज दी हैं उनको रिटर्न करेगा एरे के फॉर्म में। देखिए आउटपुट आ रहा है 10, 20, 30, 40। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको टाइप करके दिया, उसी का समराइज फॉर्म है। डी टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप बताएगा कि सीरीज की क्या है। तो देखिए यहां पे इंट 64 आ रहा है। शेप क्या बताता है? नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो देखिए यहां पे वैल्यूज क्या आ रही है? 4 कॉमा, ये टपल है, ये दिस इज टपल। तो ये आपके सिलेबस में नहीं आईपी के, लेकिन आप समझ जाइएगा पैरेंथेसिस में जब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं तो उसे टपल कहते हैं, और सिंगल वैल्यू भी होगी तो कॉमा लगेगा। साइज क्या बताता है? नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए टपल बट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो कितनी वैल्यूज है? 4। फिर एन बाइट्स बता रहा है कि कितनी है, कितनी डेटा टाइप है। तो हर एक ये ले रहा है 8 बाइट, तो 4 वैल्यू है तो 32 बाइट, यानी हर सीरीज की हर वैल्यू जो है कितने बाइट लेती है? 8 बाइट। तो टोटल सीरीज का साइज क्या हो गया? 32। फिर आपको बताया था हैज एन ए एन एस, ये बताता है कि क्या कोई एन ए एन टाइप वैल्यू है सीरीज में। तो यहां पे नहीं थी तो फॉल्स आ रहा है। फिर एम टी बताता है क्या सीरीज एम टी है, यहां पे सीरीज एम टी नहीं थी, 4 वैल्यू है तो आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो इसको आप नोट कर लिएगा फेयर कॉपी में विद एग्जाम्पल। अब इसी पे बेस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन हैं यहां पे। पहला करते हैं, क्रिएट ए सीरीज एज फॉलोज। इस तरह की आपको सीरीज बनानी है और फिर आपको ये कमांड्स लिखनी है हर एक के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने पहले पाइथन आईडीएली ओपन करी, और ये सीरीज बनानी है। देखिए तो सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब ये सीरीज आप एरे से भी बना सकते हो, लिस्ट से भी बना सकते हो। तो लिस्ट से बना लेते हैं, एलएसटी इक्वल टू वैल्यूज दे दिए 3, 5, 6, 10, 12। फिर सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिए एस सी आर
नाम तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है। तो एस ई आर इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में लिख दिए लिस्ट। फिर आप देख रहे हैं यहां पे इंडेक्सिंग करी हुई है ए बी सी डी ई, यानी रो इंडेक्स आने चाहिए। तो आप यहां लिख दोगे इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी ई। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, पैरेंथेसिस बंद किया। अब इसको सीरीज को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या ये सही है, क्या सेम आउटपुट आ रहा है जो यहां दिया है। तो यहां पे इसको रन कराया, देखिए आउटपुट देखते हैं, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। देखिए अगर आप मैच करिए दोनों तो आउटपुट सेम है। यहां पे भी ए थ्री बी फाइव सी सिक्स डी टेन और ई ट्वेल्व और डेटा टाइप बता रहा है इंट 64। अब आपको कमांड लिखनी है, बताइए क्या सीरीज एम्प्टी है। तो लिखते आइएगा, यहां पे ये ए पार्ट है, मैं कमेंट बना के लिख देता हूं ए पार्ट का। कमांड लिखनी है प्रिंट एस ई आर डॉट एम्प्टी। कौन सा एट्रीब्यूट है जो चेक करता है सीरीज एम्प्टी है, एम्प्टी। रन कराइए, देखिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो मैं यहां से सीरीज जो मैंने प्रिंट की थी वो भी नहीं देते हैं। दूसरा हैश बी, बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है प्रिंट इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज। इंडेक्सेस कैसे प्रिंट होते हैं सीरीज के, प्रिंट एस ई आर डॉट इंडेक्स लिख दिए, इंडेक्सेस प्रिंट होंगे। देखिएगा तो आउटपुट समझिएगा, देखिए आउटपुट इतना पार्ट तो सीरीज प्रिंट हो रही है। फिर ये जो हमने दिया था एस ई आर डॉट एम टी, तो ये उसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स। फिर हमने दिया था एस ई आर डॉट इंडेक्स, तो ये उसका आउटपुट आ रहा है जितने भी इंडेक्सेस थे। देखिए जितने भी इंडेक्सेस थे, जितने भी इंडेक्स थे वो प्रिंट हो रहे हैं। फिर तीसरा डेटा टाइप ऑफ अंडरलाइंग डेटा, डेटा टाइप कैसे प्रिंट होता है, ये हो गया पार्ट सी। डेटा टाइप ऑफ अंडरलाइंग डेटा प्रिंट एस ई आर डॉट डी टाइप लिख दिए, तो ये डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम लोग ने जो एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे वही एट्रीब्यूट यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है 64। तो ये पहले सीरीज प्रिंट हुई, फिर ये आउटपुट आया क्या एम्प्टी है तो फॉल्स आया, फिर ये सारे इंडेक्सेस फेच हुए बी पार्ट और ये सी पार्ट है इंट 64। फिर डी पार्ट आ रहा है चेक इफ सीरीज स्टोर्स एनी एनएन वैल्यूज, तो डी पार्ट को कैसे लिखेंगे, डी प्रिंट एस ई आर डॉट हैज एन ए एन एस, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ये देखिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो एक बार आप आंसर्स लिख लिए, ये क्वेश्चन है आपका। ये आपका क्वेश्चन है, तो यहां पे हमने क्या किया पहले सीरीज बनाई, फिर हमने ए पार्ट की कमांड लिखी एस ई आर डॉट एम टी, तो ये चेक करके बताएगा कि हमारी सीरीज एम टी है, तो इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स। फिर ये दूसरा आएगा ये, तो हम यहां आउटपुट भी लिखते आ रहे हैं, इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा यहां पे आएगा इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ए बी सी डी
ई, फिर आएगा सी डी टाइप, तो इसका आउटपुट आएगा इंट 64 आउटपुट इसका। और फिर हैज एन एन का आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इसका आंसर आपने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक ये सीरीज बना के दी हुई है, देखिए यहां पे ये सीरीज है, इसमें पेंसिल्स देखिए ये इंडेक्सेस हैं। अगर आप देखें यहां पे अब देखिए यहां पे ये इंडेक्सेस हैं, पेंसिल्स, नोटबुक, स्केल्स, इरेजर, ये इंडेक्सेस हैं और ये उसकी वैल्यू है 20, 33। किसकी वैल्यू है? सीरीज की। तो ये हर इंडेक्स की वैल्यू है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो इतना पार्ट है इसका आउटपुट बताइए। इसका आउटपुट बताना है। तो पहला आउटपुट देखिए, पहला आउटपुट है प्रिंट S of 1:1। अब ये आउटपुट है, ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। रीजन मैंने यहां पे अभी आपको इंडेक्स से वो स्लाइसिंग नहीं पढ़ाई है, तो ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आपको कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने स्लाइसिंग नहीं पढ़ाई है आपको। जब स्लाइसिंग पढ़ा देंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब आपको हम स्लाइसिंग पढ़ाएंगे तब ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इसका ई पार्ट देखिए, ई पार्ट, तो एस डॉट इंडेक्स क्या प्रिंट करेगा? सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, पेंसिल, नोटबुक, स्केल्स, इरेजर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और एस डॉट वैल्यूज क्या प्रिंट करेगा? 20, 33, 52, 10 इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो ये आउटपुट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूजिंग लेन एंड काउंट फंक्शंस विद सीरीज। जैसा आप जानते हैं कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स द लेंथ ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, दैट इज नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूडिंग वैल्यूज, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूडिंग एन ए एन वैल्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये लेंथ ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट देगा, लेकिन इसमें एन ए एन वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगी। और सिंटेक्स क्या है, लेन और ब्रैकेट में सीरीज का ऑब्जेक्ट लिख दिए। काउंट फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स द काउंट ऑफ नॉन एन ए एन वैल्यूज इन ए सीरीज। दोनों में डिफरेंस है, ये आपकी बताएगा कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो एन ए एन टाइप की नहीं है। और इसका सिंटेक्स ध्यान से देखिएगा, सीरीज ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं
फिर डॉट और फिर काउंट लिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं आपके सामने, देखिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये सीरीज बनानी है ए बी सी डी 10 20 30 एन एन बना लेंगे। यहां पे मैं विंडोज को अरेंज कर देता हूं जिससे आपको आउटपुट भी दिखाई दे। और यहां भी पहली लाइन क्या लिखते हैं, सीरीज बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। फिर आप यहां पे लिस्ट बना लिए एल एस टी इक्वल टू वैल्यूज दे दिए 10.0 कॉमा 20.0 कॉमा 30.0 कॉमा एन ए एन देना है तो क्या लिख सकते हैं, नन। एक मैं और तरीका सिखाता हूं आपको एन ए एन देने का, इंपोर्ट करिए नंपाई, इंपोर्ट नंपाई एज एन पी और यहां पे लिख दिए एन पी डॉट एन कैपिटल ए स्मॉल फिर एन कैपिटल। तो दो तरीके हैं यहां पे एन एन देने के, या तो आप यहां पे लिख दिए नन विदाउट सिंगल और डबल कोट्स एन कैपिटल, और या फिर नंपाई मॉड्यूल इंपोर्ट कीजिए और फिर यहां लिखिए जो एलियास यूज किया था एन एन पी डॉट एन ए एन। अब इससे सीरीज बनाइए एस सी आर इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज का फंक्शन का एस कैपिटल होता है ब्रैकेट में एल एस टी और इंडेक्स क्या देना है ए बी सी डी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देंगे ए बी सिंगल कोर्स में क्योंकि अल्फाबेट्स हैं डी। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये सेम आउटपुट आ रहा है जो यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको रन कीजिए, अब आप देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट और ये आउटपुट जो आपकी राइट साइड पे आ रहा है इसको मैच कीजिए ये आउटपुट। ठीक है, अब आपसे दो फंक्शन यूज यहां पे करने आ रहे हैं। एक हम लिखते हैं प्रिंट एल ई एन ब्रैकेट में एस सी आर, क्या आउटपुट आएगा ये बताएगा कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं सीरीज में, मतलब सीरीज में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये लेंथ बता देगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज इंक्लूडिंग नॉट एन ए एन वैल्यूज, याद रखिएगा। तो 10 20 30 ये तीन वैल्यू तो ये हुई और एक एन ए एन है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 4, आउटपुट क्या आना चाहिए 4। और दूसरा तरीका है प्रिंट एस सी आर डॉट काउंट, ये काउंट फंक्शन क्या करता है, इट काउंट द नॉन एन ए एन वैल्यूज, मतलब एन ए एन वैल्यू को स्किप कर देगा और जितनी वैल्यूज होंगी एक्चुअल उन्हें काउंट करेगा, तो एन ए एन को स्किप करके वैल्यूज काउंट करेगा, तो कितनी वैल्यूज है 3, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3। तो रन कराते हैं इसको, देखिएगा पहले का आउटपुट 4 आना चाहिए दूसरे का 3, देखिए आउटपुट आ रहा है 4 और 3। तो इस क्वेश्चन में यही किया गया है, सबसे पहले पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है, फिर नंपाई मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है, फिर लिस्ट में वैल्यूज दिए, वैल्यूज 3 है और एक है एन ए एन वैल्यूज। एन ए एन वैल्यू देने के लिए दो तरीके हैं, या तो यहां लिख दिए नन या नंपाई के थ्रू करना है तो एन पी डॉट एन ए एन लिख दिए, याद रखिएगा एन कैपिटल फिर ए स्मॉल फिर एन कैपिटल है। फिर सीरीज बनाइए, लिस्ट पास कीजिए, इंडेक्सिंग कर दिए। अब आप जब लेंथ करेंगे तो वो एन ए एन वैल्यूज भी काउंट कर लेगा तो आउटपुट आ रहा है 4, और जब आप काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो एन ए एन वैल्यूज काउंट नहीं करेगा तो आउटपुट आ रहा है 3। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। आज हम लोगों ने पढ़े कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के और लेंथ और काउंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं सीरीज के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन पाइथन पांडा सीरीज पार्ट 3।
तो ये आपका 6 पार्ट में है पांडा सीरीज, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका लेके डिस्कस कर रहे हैं कि एक साथ अगर करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप बहुत सिंसियर रहें और जब आप ये मॉड्यूल देखें तो उससे प्रीवियस वाला मॉड्यूल आपके क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया पाइथन पांडा सीरीज पार्ट 3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।